दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों डीसी जनरेटर का टॉपिक चल रहा है अपने, और टाइटल से आप लोगों ने देखा होगा कि अपन आज डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक होगा स्लीपिंग और कम्यूटेटर क्या होते हैं, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी, कौन सा कैसे कैसे काम करता है, एसी और डीसी में कैसे हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। सेकंड टॉपिक आज के लिए रहेगा वो है ईएमएफ की समीकरण, जो 5ZNP/60A है वो समीकरण कैसे बनी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी लोग जरूर जुड़े, वीडियो को लाइक जरूर करें, जब कंप्लीट वीडियो हो जाए तो दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि वो भी देखें। अच्छा कंटेंट है दोस्तों, उम्मीद है कि बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ नया भी सीखेंगे, तो जुड़ जाइए सभी लोग, वीडियो को लाइक जरूर करें सभी, कोई चार्ज नहीं लगता है इसके लिए कोई, है ना। ओके, देखो भाइयों, बात करेंगे सबसे पहले तो कि स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग क्या होते हैं। जब हमारे पास स्प्लिट रिंग था तो फिर कम्यूटेटर क्यों बनाया, यानी स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर में क्या डिफरेंस है, तीन चीजें हो जाएगी, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो देखो सबसे पहले देखो, जनरेटर में एक होती है स्लिप रिंग, मैं आपको बेसिक परिचय बता रहा हूं पहले, ठीक है, फिर इनकी कार्यप्रणाली पूछेंगे कि स्लिप रिंग से एसी कैसे प्राप्त हुआ, कम्यूटेटर से डीसी कैसे प्राप्त हुआ, और ओके मार्कर का कलर चेंज करना है, ठीक है भाई वो कर देंगे। स्प्लिट रिंग से कौन सी डीसी मिलती है, कम्यूटेटर से किस प्रकार की डीसी मिलती है, फिर अपन आगे चलेंगे कि कम्यूटेटर से स्प्लिट रिंग से कम्यूटेटर की ओर क्यों आए। देखो एक होती है स्लिप रिंग, एक होती है स्प्लिट रिंग, और एक होता है कम्यूटेटर, ठीक है। स्लिप रिंग और कम्यूटेटर प्रैक्टिकली पाए जाते हैं, ये प्रैक्टिकली नहीं होगा, ये थ्योरेटिकल एक सिद्धांत या अपन को बेसिक बताता है कि ऐसा हुआ था, फिर हम इससे आगे आए थे। अरे भाई जनरेटर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए तो होता है, जनरेटर इलेक्ट्रिशियन में नहीं है क्या, ठीक है। देखो सबसे पहले तो स्लिप रिंग के निर्माण की धातु, इसमें बात करेंगे अपन, ठीक है, या फिर स्प्लिट रिंग स्लिप रिंग क्या लगाते हैं, चलो पहले धातु का ही करते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट हो। स्लिप रिंग के लिए धातुओं का अलग अलग तीन ऑप्शन आते हैं, ठीक है, हर जगह आप देखेंगे किसी एग्जाम में किस तरह का है, किसी एग्जाम में किस तरह का, तीन ऑप्शन है आपके पास, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। नंबर वन है कॉपर यानी तांबा, सेकेंड ऑप्शन है ब्रास यानी पीतल, जो कि तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है, ठीक है ना, और उसके बाद में फाइनली फास्फर ब्रॉन्ज, ठीक है, यानी ब्रॉन्ज कांसे को ही बोलते हैं हिंदी में। ये तीन ऑप्शन स्लिप रिंग के लिए आते हैं, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिले आप कर सकते हैं। उसके बाद में स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर, कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग से ही बना हुआ है, स्प्लिट को हिंदी में कहते हैं विभक्त यानी बंटा हुआ, स्लिप रिंग को हिंदी में बोलते हैं सर्पिल वलय, इसको विभक्त वलय, और इसको दिशा परिवर्तक हिंदी में बोलते हैं। तो स्प्लिट रिंग से ही कम्यूटेटर बनता है, और कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग के लिए आप एक ही ऑप्शन दोनों के लिए दे सकते हैं, और वो है हार्ड ड्रान कॉपर, हिंदी में बोलते हैं कठोर खींचा हुआ तांबा, तांबे का जो शुद्ध रूप होता है एनील्ड कॉपर, ये उसको फोर्जिंग करके बनाते हैं। तो ये तो इनके लिए हो गई निर्माण की धातु, जो पेपर में आपको मिले कर देना। अब देखो ये हम कब लगाएंगे जनरेटर में, या कैसी कैसी ही रिक्वायरमेंट होगी तब लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। स्लिप रिंग तब प्रयोग में लेते हैं जब हमें आउटपुट में
एसी प्राप्त करना, अल्टरनेटिंग करंट जब हमें आउटपुट में रिसीव करना हो तब हम काम में लेते हैं। सप्लिटरिंग और कम्यूटेटर ये दोनों देते तो डीसी है, ठीक है। सप्लिटरिंग और कम्यूटेटर दोनों से हमें डायरेक्ट करंट यानी डीसी प्राप्त होता है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। सप्लिटरिंग तब बोलते हैं जब एक ही वृत्ताकार हिस्सा, जैसे कि एक स्लिप रिंग था, उसके दो भाग थे या उसके छोटे छोटे चार भाग बना दिए, लेकिन एक बड़े वृत्ताकार हिस्से के अनेक छोटे छोटे पार्ट्स जब बना देते हैं ना, तो फिर उसको कम्यूटेटर नाम दिया। सप्लिट रिंग के एक हिस्से को फाइनली हम लोग एक सेगमेंट बोलने लग जाते हैं। फर्क क्या है, देखो फर्क यह है कि सप्लिट रिंग का सेट एक या दो ही होंगे। अगर एक सेट सप्लिट रिंग हो तो आउटपुट कैसा होगा, क्या पता पेपर में सवाल आ ही जाए कि एक सप्लिट रिंग है यानी उसके एक सेट सप्लिट रिंग है यानी दो सेगमेंट है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, बिना फिल्टर के आपने रेक्टिफायर देखा है ना, बिना फिल्टर के जो फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट होती है ना, ठीक वो की वही होगी, और उस आउटपुट का नाम क्या है, पल्सेटिंग डीसी। बिना फिल्टर के फुल वेव रेक्टिफायर की बिल्कुल इसके बराबर कार्य प्रणाली होती है, शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। यानी एक सप्लिट रिंग से हमें पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होती है, जैसे बिना फिल्टर का फुल वेव रेक्टिफायर देता है वैसे। अब समस्या ये हो गई कि हमें पल्सेटिंग से तो काम चलेगा नहीं, हमें चाहिए फिल्टर की हुई डीसी, शुद्ध डीसी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी डीसी यानी नियत मान की डीसी। तो वो अपन को कम्यूटेटर देता है, यानी कम्यूटेटर फिल्टर सर्किट के साथ जैसी डीसी होती है ना वैसा देता है, यानी फिल्टर सर्किट वाला जो फुल वेव रेक्टिफायर हमें देता है ना वैसी देता है, और इसको हम बोलते हैं शुद्ध डीसी या स्थिर डीसी, इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी डीसी, राइट। तो ये इसके छोटी छोटी तीन बातें थी कि हम क्या ध्यान में रख सकते हैं। अब देखो सर्किट रिंग और सप्लिट रिंग दोनों ही चालक धातु से ही बनी हुई है ना, और एक चालक धातु का काम क्या होता है, जैसा इनपुट दिया जाए वो अपने में से धारा प्रवाहित कर देती है और आगे अपन को आउटपुट दे देता है। फिर इस कॉपर और इस कॉपर में ऐसा क्या आया कि एक ने एसी दूसरे ने डीसी दिया, सवाल इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा भाई। स्लिप रिंग भी तो कभी कॉपर की हो सकती है, ब्रास फास्फोर ब्रोंज जो भी, कॉपर मानते हैं, कॉपर की हार्ड रन कॉपर का, यानी दोनों कॉपर कॉपर है। फिर एक को हमने यहाँ एसी दिया तो एसी, दूसरे को हमने यहाँ एसी दिया तो डीसी प्राप्त हो रहा है, ऐसा कैसे हुआ, हम इस पर बात करते हैं, आज का ही अपना टॉपिक है। फिर जब सप्लिट रिंग ने हमें डीसी दे दी तो कम्यूटेटर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ये अपना आज का बड़ा टॉपिक है, उसके बाद बात करेंगे अपन, ठीक है। कम्यूटेटर दो रिंग से बनते हैं, बात करते हैं। देखो भाई मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूं एट ए टाइम। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्लिप रिंग के बारे में, ठीक है, यानी स्लिप रिंग ने हमें क्या दिया, ठीक है। देखो मान लीजिए किसी समय ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और मैं ज्यादा बड़ी डिटेल से बात नहीं करूंगा, एक बार अपन चालकों का एक सिंगल लूप लेते हैं। मान लीजिए एक आयताकार लूप है, आप सब ने देखा होगा कि आर्मेचर हमेशा बेलनाकार आकृति में ही होता है, यानी वृत्ताकार आकृति में ही होता है। एक कंडक्टर अगर आयताकार त्रिभुजाकार आकृति में होता तो क्या होता, यानी आर्मेचर को हमने ऐसे वृत्ताकार रूप ही क्यों दिया, मैं बात करूंगा, टॉपिक पढ़ते हैं। देखो मान लेते हैं कि किसी समय इस चालक में से, हाँ शुद्ध और पल्सेटिंग बात करते हैं, प्रवेश रुकिए है ना, प्रवेश जी है क्या, हाँ
मान लीजिए कि हम ये मानते हैं कि एक इस चालक से ये स्लिप रिंग जुड़ी हुई है और एक ये इस चालक से दो स्लिप रिंग जुड़ी हुई है। माना कि चालक के इस ओर की साइड को अपन साइड ए बी और इस ओर की साइड को अपन साइड सी डी बोल देते हैं। किसी समय स्लिप रिंग है, हम सब जानते हैं कि एक स्लिप रिंग के साथ ब्रश हमेशा स्थायी रूप से संपर्कित में होता है, परमानेंट संपर्क में होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि वो ब्रश उस स्लिप रिंग के किसी भी हिस्से में एक इक्वल कंडक्टर की तरह होता है, यानी इसके किसी भी भाग पर वो हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट। माना कि ये स्लिप रिंग नंबर एक, ये स्लिप रिंग नंबर दो, ये अपना ब्रश नंबर ए और ये ब्रूस अपना बी, और इस ए और बी के माध्यम से आउटपुट यानी बाहरी सर्किट में ये एक अपना लोड कनेक्टेड है जिसको मैं नाम RL दे देता हूँ, लोड प्रतिरोध, है ना। जी, आशुतोष स्वागत है मेरे भैया, आपका भी। आप देखिए, अब देखो हम बात करते हैं कि धारा का प्रवाह ब्रश ए और बी में से आउटपुट में कैसे होगा या स्लिप रिंग में से कैसे होगा। दोनों कोई बड़ी चीज नहीं है, एक ही बात है। आप चाहो तो एक स्लिप रिंग को भी पकड़ सकते हैं और एक ब्रश को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं ब्रशों के बारे में बताऊंगा क्योंकि अगला जैसे सेगमेंट आएगा ना अपना सप्लिट रिंग, वहां अपन को सेगमेंट से ज्यादा ब्रशों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। अब दो बातें पढ़ेंगे, वही दोनों कम्यूटेटर में यानी सप्लिट रिंग में डिफरेंस अपन को समझाएगी, वही समझ में आएगा, है ना। देखो भाई, देखिए यार, ये इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न मैं पहले बता चुका हूँ। अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग होंगे ये डिपेंड भी करेगा, रोटेटिंग फील्ड है कि रोटेटिंग आर्मेचर है, अल्टरनेटर का डोपिंग आएगा। रुकिए, इसको देखो। सबसे पहले फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग माना कि जनरेटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा एन से एस की ओर जा रही है, चालक ऊपर की ओर घूर्णन कर रहा है, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार क्या होगा, इस हिस्से में धारा ऐसी उत्पन्न होगी जो प्रवेश करके दूसरी ओर आएगी। यानी क्या होगा, ये चालक में से प्रवाहित होगी, धारा ए से बी की ओर जाएगी, फिर इस ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल गई, यानी धारा यहां आ रही है। और आप ध्यान से देखिएगा, यही बात समझने वाली है, यही समझना है आप लोगों को। ए से करंट बी तक चला, बी से सी, सी से डी से होते हुए देखो क्या हुआ, स्लिप रिंग नंबर वन पर आया। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां बना रहा हूं, स्लिप रिंग नंबर वन पर आया। स्लिप रिंग नंबर वन से ब्रश नंबर ए जुड़ा हुआ था, बाहरी प्रतिरोधक में से होते हुए बी में से होते हुए ये देखिए मार्ग कंप्लीट हो गया, एक कंप्लीट क्लोज साइकिल इन दोनों में से बन रहा है, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बात समझ में आई। मान लीजिए कि मैं ए ब्रूस को यहां, बी ब्रूस को यहां लेता हूं किसी समय, तो अभी हम सब देख रहे हैं कि ए ब्रूस पर पॉजिटिव मिला कि नहीं। मान लीजिए कि किसी समय हम बी वाले को छोड़ ही देते हैं, हालांकि वो माइनस दे रहा है, लेकिन हम बी वाले को किसी क्षण के लिए छोड़ भी देते हैं, तो ए ने हाफ साइकिल के अंदर क्या किया है, इतना सा आउटपुट हमें दिया है। आगे देखिए, जैसे ही जनरेटर की रोटेशन आएगी तो रोटेशन यूं हो गई ना, चुंबकीय बल रेखाएं चालक के अंदर से निकलने लग गई, कोई चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन नहीं हुआ, प्रेरित ईएमएफ कितना हो गया, जीरो, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं के छेदन पर डिपेंडेंट होता है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप आएगी तो आप सब देखिएगा चालक का कंप्लीट हिस्सा बदल करके चेंज हो गया, यूं था ए बी से सी डी जो है वो चेंज हो करके ए बी एस पोल सी डी नॉर्थ पोल के संपर्क में आ गया। इसी के साथ में कंप्लीट सेट जो जुड़ा हुआ था वो भी अपन कहें तो उसी साइड में जुड़ा हुआ रह गया। दो बातें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ब्रूस बी स्लिप रिंग नंबर दो और पार्ट ए बी तीनों एक साथ मान लीजिए, या यूं कहें कि पार्ट ए बी एम से था वो एस पर आ गया, लेकिन पार्ट ए बी से साइड ए बी से जो स्लिप रिंग और ब्रश जुड़ी हुई थी वो अब भी वही जुड़ी हुई है,
उनमें चेंजेस नहीं आए, लेकिन चेंजेस किस में आया? जी रामलाल जी नमस्कार भाई, चेंजेस किस में आया? चेंजेस आया कि साइड चुंबकीय क्षेत्र को बदल गई, मैग्नेटिक फ्लक्स जो नॉर्थ था वो अब साउथ हो गया, धारा की दिशा बदलेगी कि नहीं? फ्लेमिंग ने भी तो यही कहा है कि चालक के घूमने की दिशा वही रखें, लेकिन यदि हम उसमें चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को बदल दें तो क्या होगा? प्रेरित ईएमएफ की दिशा बदल जाएगी। बदल गई ना। प्रेरित ईएमएफ की दिशा का मतलब क्या था कि इस चालक में जो करंट ए से बी की ओर जा रहा था वो बी से ई की ओर आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दूसरा डायग्राम बनाकर बताता हूं। मान लीजिए कि ये वो अपनी नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है, लेकिन इस बार हुआ क्या है कि साइड चेंज होकर के यूं हो गई है। ध्यान से देखिएगा, ये दो नंबर, ये एक नंबर, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो था वो ए और बी, ये लोड रेजिस्टेंस, ये समझ रहे हैं? साइड बदल करके क्या हो गया कि ए यहां, बी यहां, सी यहां और डी यहां। बात तो वही आ गई ना। अब देखो डी से सी की ओर, पहले देखो सी से डी की ओर था, अब डी से सी की ओर हो गया, जबकि बी से ए की ओर, पहले ए से बी की ओर था, यानी दोनों में धाराओं की दिशा बदल गई। ए ब्रूस आपको यूं देगा जबकि बी ब्रूस आपको यूं देगा, यानी दोनों के आप किसी भी साइकिल को पकड़ो, दोनों दिशाओं में मान उसका बदल रहा है, और जिस धारा में समय के साथ मान और ध्रुवता यानी पोलरिटी दोनों बदलते हैं उसी का नाम प्रत्यावर्ती धारा है, यानी अल्टरनेटिंग करंट है। इसलिए हमें क्या हुआ, एक स्लिप रिंग से एसी प्राप्त हुआ, और कुछ नहीं है, बस इतना सा ही है। तो ये तो इसका था। अब देखो हम बात करते हैं कि सप्लिट रिंग ने हमें कैसे डीसी दिया। इसी चीज को लेते हैं अपन, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट बदल जाएंगे इसके, इसको मैं रखता हूं यही, दूसरा बनाते हैं ताकि वो बराबर समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि किसी समय ये है अपने दोनों पोल नॉर्थ और साउथ, ये है अपने चालक का लूप पूरा पूरा, ठीक है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, दोनों ही हाफ हाफ सेगमेंट से जुड़े हुए हैं इस तरह से। इसको पूरा कंप्लीट समझना है आप लोगों को, थोड़ा छोटा बन गया, मैं बना देता हूं। हेलो, मतलब जो एक रिंग थी वो तो दो अलग अलग भागों में है, बस यूं दोनों के बीच में इंसुलेशन है, चालक के घूमने की दिशा नहीं बदली है, सेम टू सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमने वही रखा। तो अब देखो ये ए सेक्शन, ए बी साइड, ये सी डी साइड, ठीक है, इन दोनों से देखो यहाँ ब्रूस भी जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो मैं नाम दे देता हूं सेगमेंट नंबर एक, सेगमेंट नंबर दो, ब्रूस ए, ब्रूस बी, और दोनों से लोड प्रतिरोध आरएल जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छी कार्य प्रणाली है। आप में से बहुत सारे इंटेलिजेंट होंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन जिनको नहीं आता वो लोग जरूर पढ़ें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं जनरेटर को, जिन्होंने आईटीआई में अच्छे से नहीं पढ़ रखा ना, वो तो जरूर देखें ना भी। स्लिप रिंग कम्यूटेटर दोनों चालक धातु के बने हुए थे, पर एक ने एसी दूसरे ने डीसी दिया, ऐसा क्यों हुआ? हम तो इस पर बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। भी चालक तो चालक ही होता है ना, कॉपर के इस ओर से धारा, आप तार में देखो ना, जब वायर के, कॉपर के वायर में यहाँ एसी देते हैं तो यहाँ एसी मिलता है, डीसी देते हैं तो डीसी मिलता है, पर कॉपर के एक कम्यूटेटर ने ऐसा क्या कर दिया? ठीक है, आ जाओ देखो भैया, सेम टू सेम वही बात रहेगी। चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की ओर जा रही है, चालक ऊपर की ओर घूम रहा है, तो इस हिस्से में प्रेरित ईएमएफ चालक से, दर्शक से दूर जाएगा। लोकेंद्र बाबू आवाज इतनी है यार, मेरा खुद का गला दुखने लग जाता है भाई, लगातार बोलते हैं। आप कोई हेडफोन ईयरफोन का जुगाड़ करो प्लीज, थोड़ी सी सपोर्ट आप कर दो ना। परवेज लगता है लेट जुड़े हुए ना, स्लिप रिंग किसकी बनी होती है? तीन बताया मैंने, थोड़ा सा वीडियो को पीछे से देखा करो यार, है ना।
जाओ। देखो धारा ए से बी की ओर जाएगी और सी से डी की ओर आएगी, तो सेम टू सेम वही सिचुएशन हुई कि सेगमेंट नंबर ए जो अपन को मिल रहा है, सेगमेंट नंबर वन के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप ए जो है अपने को क्या दे रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, देखिए यहाँ से धारा आई और लोड में से होती हुई, बी में से होती हुई अपना सर्किट पूरा एक क्लोज परिपथ बनाता है। आगे देखो, जैसे ही हाफ चक्कर रोटेट कर गया तो ए से बी और सी डी साइड चेंज हुई कि नहीं हुई? ओके, ए बी साइड सी डी की ओर, सी डी जो है वो ए बी की ओर आई। लेकिन दोस्तों इस बार ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ चालक बदले हैं, उनके साथ जुड़े हुए सेगमेंट बदले हैं, ब्रूस नहीं बदले। ब्रूस अपनी जगह पर ही है। देखिए ब्रूस तो यहां भी अपनी जगह पर ही थे ना, फिर फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि यहाँ ब्रूस पहले इस हिस्से पर जुड़ा हुआ था, आधा चक्कर घूमने के बाद ब्रूस यहाँ जुड़ गया, लेकिन जुड़ा हुआ तो उसी स्लिप रिंग से था। इस बार क्या हुआ कि अभी ये सेगमेंट नंबर दो से जुड़ा हुआ है, जैसे जनरेटर हाफ साइकिल चेंज करके आएगा, मैं इसको यहां बना रहा हूं ध्यान से समझिएगा, तो दोनों हाफ सेक्शन एक बार तो यूं हो गए। तो ऐसे बी और ए दोनों ब्रूस शॉर्ट हो गए, कुछ नहीं मिला ये देखो ये। लेकिन अगले ही क्षण ये बदल करके क्या हुए, फिर से यूं हो गया ऐसे वाला। लेकिन इस बार सिस्टम बदल गया, ए यहां पहुंच गया, बी यहां आ गया, समझे? और ए बी ना माने अपन तो इनको सेगमेंट लेते हैं, है ना? सेगमेंट में ये अपना मान लीजिए यूं घूम रहा है, तो दो नंबर एक नंबर था, अब क्या हुआ, दो इस साइड आ गया, एक इस साइड आ गया, सेगमेंट बदल गए, ब्रूस अपनी जगह पर ही थे। तो हो क्या रहा है कि सेगमेंट बदले तो जो ए ब्रूस पहले एक नंबर सेगमेंट के था, अब वो सेगमेंट नंबर दो के संपर्क में है, और दो नंबर सेगमेंट जो यहां है उसमें धारा क्या हो रही है, अब भी ऊपर से नीचे की ओर ही आ रही है, यानी ये ब्रूस हमें अब भी उसी दिशा में सप्लाई करता जा रहा है, समझ रहे हैं? हाँ, ये अब भी उसी दिशा में सप्लाई कर रहा है जो अपन को पहले कर रहा था, बस। तो ये अपन को आउटपुट मिल गई किससे, स्प्लिट रिंग से। अब इसमें क्या हुआ, मान तो बदला लेकिन ध्रुवता नहीं बदली, और जिस धारा में ध्रुवता नियत रहती है, यानी प्लस है तो प्लस ही प्लस रहे, उसी का नाम डायरेक्ट करंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। पर अब समस्या क्या होगी, जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक सिंगल लूप द्वारा यानी एकल चालक द्वारा प्राप्त हुई डायरेक्ट करंट मान में बहुत कम है, 2, 4, 5 वोल्ट ही होती है, और प्रकृति में पल्सेटिंग है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। हमें चाहिए शुद्ध डीसी, प्योर डीसी चाहिए, एक सिंगल चालक द्वारा प्राप्त सप्लाई मान में बहुत कम, प्रकृति में पल्सेटिंग होती है, अतः हमें मान में भी वृद्धि करनी है, यानी अधिक चाहिए, और हमें उसकी प्रकृति स्टडी स्थिर डीसी चाहिए। इसके लिए क्या करना है, मान में वृद्धि करने के लिए तो एक ऑप्शन होता है कि हम उसमें, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, मैं थोड़ा कंप्लीट कर दूं, फिर आप सबके क्वेश्चनों का रिप्लाई करेंगे। टॉपिक आज इतना ही होगा, टीएमएफ समीकरण कल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। तो क्या होगा, मान में वृद्धि करने के लिए तो हम टर्न की संख्या बढ़ा देंगे, यानी सिंगल लूप का चालक ना लेकर के क्या करेंगे, यहां पर चालकों की संख्या बढ़ा लेंगे। तो मान जो 2 वोल्ट तक शिखर मान गया था, वो 250 वोल्ट तक जाना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन एक चीज अभी भी रह गई, और वो क्या रह गई कि प्रकृति इसकी भी पल्सेटिंग ही है, जो हमें 250 वोल्ट मिलेगा वो ऐसे मिल जाएगा, फर्क इतना सा है, ये 4, 5 वोल्ट तक ऊपर जा रहा था, ये 250 वोल्ट तक जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये प्रकृति भी स्थिर मान की हो। इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, पल्सेशन की संख्या में वृद्धि करने की दो विधियां होती है, या तो फील्ड पोल की संख्या बढ़ा दो,
या सप्लिट रिंगों की संख्या बढ़ा दो। फील्ड पोल की संख्या बहुत ज़्यादा तो बढ़ा नहीं सकते, फिर जनरेटर का साइज बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है फिर कि अपन कम्यूटेटर सेगमेंट की यानी सप्लिट रिंग की संख्या बढ़ा दें। सप्लिट रिंग की संख्या बहुत ज़्यादा होने को ही कम्यूटेटर कहते हैं, यानी बहुत सारे सप्लिट रिंग जब एक साथ जुड़ते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं, सेगमेंट्स बोलते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या उतनी होगी जितनी आर्मेचर्स में कॉइल है। यानी अब दो चीजें सुन लो आप लोगों, स्लिप रिंग जैसी इनपुट वैसी आउटपुट, यहां ऐसी मिलेगी तो ऐसी, डीसी मिलेगी तो डीसी, जैसे रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर अगर हो तो उसमें फील्ड घूम रहा है उसको डीसी देनी है तो स्लिप रिंग लगा रहे हैं, बाहर से डीसी दी अंदर भी डीसी गया तभी तो फील्ड उत्तेजित होगा ना। लेकिन रोटेटिंग आर्मेचर में एसी बाहर प्राप्त करनी है तो स्लिप रिंग लगाया तो अंदर एसी उत्पन्न हुई थी बाहर भी एसी आ गया, यानी स्लिप रिंग नो चेंज, कम्यूटेटर अपोजिट, ठीक है, एसी दिया तो डीसी, डीसी दिया तो एसी, बस। स्लिप रिंग कितनी होती है यार, छोड़ दूं जनरेटर को चलते स्लिप रिंग अल्टरनेटर की ओर, रुक जाओ फिर जवाब देता हूं लास्ट में इसकी, फिर वो दो थ्योरेटिकल बातें याद रखना, आ सकता है पेपर में क्वेश्चन अच्छा है ना, क्या क्या ध्यान में रखोगे सुन लो दोबारा। मान में वृद्धि करने के लिए क्या करना है, सीरीज में अनेक टर्न लगाने हैं तो डीसी जनरेटरों में क्या टर्न नहीं बोलते, अनेक चालक बोलते हैं, यानी सीरीज में अनेक चालक लगा दो मान में वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद में आता है कि पल्सेशन में वृद्धि करना जिससे मान क्या हो जाए, स्टेडी डीसी प्राप्त हो जाए, स्थिर डीसी बोलते हैं, लाइक सेल एंड बैटरी, ठीक है। इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन तो है पोल्स की संख्या में वृद्धि और दूसरा है सप्लिट रिंग की संख्या में वृद्धि। तो जब सप्लिट रिंग की संख्या में बढ़ा देते हैं तो उसी का दूसरा नाम क्या है, कम्यूटेटर। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया आज का टॉपिक, बड़ा अच्छा है, आराम से पढ़िएगा। ईएमएफ समीकरण है, अगली क्लास में पढ़ाएंगे कि ईएमएफ समीकरण कैसे बनती है भाई, जरूर देखना उस टॉपिक को भी, क्योंकि आप लोगों को समीकरण याद होगी लेकिन मैं 5 तरह की समीकरण बताऊंगा कि कौन सी हो तो कैसी हो, है ना। पहले आज वाले को सुनो, देखो अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग लगेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि घूमने वाला भाग कौन सा है। अगर रोटेटिंग फील्ड हो तब तो केवल मात्र 2 स्लिप रिंग लगेगी और वो भी ध्यान रखना आउटपुट प्राप्त करने के लिए नहीं, ये किस लिए, रोटर को डीसी देने के लिए, क्योंकि जब फील्ड घूम रहा है तो चालक नियत है और एक स्थिर चालक से सीधे हम वाइंडिंग से स्टार या डेल्टा में जोड़ करके आउटपुट प्राप्त करते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर घूर्णी चालक हो यानी आर्मेचर खुद घूम रहा हो तो भैया स्लिप रिंग की संख्या डिपेंड करेगी फेज पर, सिंगल फेज एसी, थ्री फेज एसी डेल्टा, थ्री फेज एसी स्टार, ठीक है। आ जाओ, सिंगल फेज एसी में 2, थ्री फेज डेल्टा में 3, थ्री फेज स्टार में 4, ठीक है, बस। अब बताओ कोई और क्वेश्चन है तो, हो गया आज का टॉपिक, इतना ही पढ़ेंगे। करना जरूर लाइक वीडियो अगर कंटेंट पसंद आया हो तो, ओके। क्या बोला, यील्ड पिच भी, हाँ यार ये भी एक होती है, टॉपिक आगे आएगा करेंगे जरूर, ठीक है। एक्साइटेशन में डीसी क्यों देते हैं, मेरे भैया डीसी के बिना उत्तेजन कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एक्साइटेशन शब्द जब भी आ जाए डीसी ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। बस दोस्तों इतना ही है आज के लिए, करना जरूर वीडियो को लाइक, कंटेंट पसंद आया हो तो दोस्तों को भी शेयर करना और वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद कमेंट करके भी बताना कैसा लगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भेजा करो दोस्तों को, सब्सक्राइब कराया करो चैनल को।